नमस्कार दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये ललता घाट है और ऐसे ही जो गंगा मैया के जितने भी घाट है वो उसका मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये वाराणसी की सीरीज चल रही है और उसमें जो ये शानदार आपको वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। आपने जो घाट देखा, ये सामने मीर घाट देख रहे हो, इसके बाद में और कई घाट आने वाले हैं। आपको मैं जितने भी 84 घाट है, वाराणसी के 84 घाट है, वो सारे दिखाने वाला हूँ। ये मीर घाट का दृश्य आप देख रहे हो, मीर घाट के दृश्य के साथ आप गंगा मैया के भी दर्शन कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ गंगा आरती का भी वीडियो देखने वाले हो आप आगे, और ये त्रिपुर भैरवी घाट देख रहे हो। आगे जो वाराणसी का कॉरिडोर है उसका नाइट का भी वीडियो देखने वाले हो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये गंगा मैया के घाट पर नावों का जो जमघट लगा हुआ है वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और जो नाव ख़राब हो जाती है, उसको यहाँ ठीक करने वाले भी लोग मिलते हैं, वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, वो नाव को ठीक कर रहे हैं, यहाँ पे नाव को ठीक कर रहे हैं लोग, और ये नाव ठीक करने के बाद वापस गंगा मैया में तैरती दिखाई देगी। और ये देखिए, जहाँ ख़राब नाव है उसको यहाँ ठीक भी करते हैं लोग और उसको दुरुस्त करके वापस गंगा मैया में इन नावों के साथ तैराते हैं। ये गंगा मैया के बड़े बड़े घाट हैं और यहाँ सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और ये देखिए, इसमें दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये वाराही घाट है ये। और ये देखिए, इस पे भी वही गंगा मैया के घाट पर आपको बहुत बहुत सारी नावें देखने को मिल जाएंगे। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ इन घाटों पे नहाने से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ मणिकर्णिका घाट का वीडियो आपने देखा और आगे आपको राजा हरिश्चंद्र वाले घाट का भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ राजा हरिश्चंद्र जी ने इस एक हरिजन के घर नौकरी करी थी, वो राजा हरिश्चंद्र घाट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यह है मान महल घाट और मान मंदिर घाट आपको देखने को मिल जाएगा। सामने गंगा मैया तैरती हुई बहती हुई आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला इस वीडियो को। इस वीडियो का अंत में दशमेश घाट है, वहाँ ले जाकर करने वाला हूँ। ये देखिए, वो नाव है जिसका रिपेयरिंग चल रही है, इसको दुरुस्त किया जा रहा है, उसके बाद में इसको गंगा मैया में उतारा जाएगा। आप जो आगे जो घाट देखने वाले हो, दशमेश घाट के नाम से जाना जाता है, और यहीं आरती की ये तैयारियां शुरू हो रही है। और अगला जो वीडियो आने वाला है, इसके लिए आपको आरती का वीडियो आने वाला है। ये देखिए, यहाँ गंगा मैया की आरती होती है, यहाँ अभी से लोग यहाँ आकर बैठना शुरू हो गए। दशमेश घाट का इतिहास मैं आपको बता देता हूँ। सत्य पुराण में वर्णित ब्रह्मा द्वारा संपन्न 10 अश्वमेध यज्ञों के कारण इस घाट को दशमेश घाट कहा जाता है। यहाँ विविध सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण घाट है जिसका उल्लेख रुद्रसर जल तीर्थ के नाम से भी करते हैं। दोस्तों, 1775 इसमें रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस घाट का पक्का निर्माण करवा दिया था। ये घाट आज गंगा मैया का स्नान और ये गंगा मंदिर आप सामने देख रहे हो, इस घाट पर गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से गंगा मैया की आरती होती है, जो शाम के टाइम आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ आरती का ये दृश्य देखिए, ये लोग यहाँ अभी आरती के टाइम से पहले यहाँ के अपनी जगह चुन रहे हैं। दोस्तों, ये गंगा मैया की आरती सबसे प्रसिद्ध आरती मानी जाती है वाराणसी की। यह है श्री श्री ब्रह्मेश्वर अश्वमेध महादेव मंदिर। यहाँ जो सेलिब्रिटी आती है उनकी फ़ोटो यहाँ लगाई जाती है। सामने आप देख रहे हो, ये गंगा घाट का, गंगा मैया का वो घाट है जहाँ आरती होती है। ये देखिए, सामने यहाँ आरती होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।